भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की रेस्टोरेंट द बिग डैडी में सिटी एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस बल और कई थाने की पुलिस ने छापा मारा। जमीनी विवाद के बाद मारपीट और गोलीबारी की घटना को लेकर जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह के द्वारा घटना का मास्टरमाइंड विधायक गोपाल मंडल को बताते हुए उसके बेटे आशीष मंडल, समर्थक दिलीप मंडल, धनंजय यादव और संजीव सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पुलिस ने इन सबों की गिरफ्तारी के लिए एक साथ धावा बोला। पुलिस के द्वारा रेस्टोरेंट में घंटों छापेमारी की गई। यहां जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो मौके से डीवीआर गायब मिला। इसके बाद टीम ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सकी। सिटी एएसपी शुभम आर ने बताया कि गोपाल मंडल व अन्य चार पर एफआईआर हुआ है, जांच करने रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, जमीन का मामला है उसको भी देखने आए हैं। सीसीटीवी का डीवीआर नहीं है, कहा गया पहले से नहीं है, लेकिन जांच हो रही है, इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कल बिग डैडी रेस्टोरेंट के सामने जमीन विवाद में मारपीट व गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। हमले में हाउसिंग बोर्ड निवासी लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी समेत कुल चार लोग घायल हैं। इनमें से एक शरद यादव को गोली लगी है। मामले में पीड़ित ने पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अभी हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और जैसे हमने आपने बोला कि डीवीआर भी हम देखने के लिए आए थे, उन्हें नोटिस भी दिया गया है बिग डैडी के रेस्टोरेंट वालों को। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो डीवीआर था वो पहले से ही नहीं था और सीसीटीवी नहीं चल रहा था, तो उसकी बात की भी हम पुष्टि की जाएगी, हम और जाँच करेंगे उस संबंध में। और अभी जमीन किस इतनी पृष्ठभूमि है उसे हम जानने के लिए आए थे यहाँ पर, किसने किसके द्वारा कब बेचा गया और विवाद का कारण क्या है, और जैसे ही सब क्लियर हो जाएगा तो हम और भी चीज़ों पे और अच्छे अनुसंधान में हमारे काम आएगा। पांच चार तो स्पष्ट बताए गए हैं, नाम लिखे गए हैं। एक में बोले गए हैं कि जो विधायक जी हैं उनका नाम बोला गया, उन्होंने बोला कि उनके संरक्षण में चीज़ें हो रही हैं, तो उनका भी नाम उसमें लिखा गया था, आवेदन में लिखा गया। अब हम जाँच कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर, हम थोड़ा साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य होंगे हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गोली चली थी कि नहीं? गोली चलने का तो निशान है ही, क्योंकि जो इंजरी है, जो इंजरी है उसमें इंजरी में देखा जाए तो एक तो छोटे छोटे पैलेट वाली गन है जो फायर हुई थी, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पे, खासकर पेट पे और चेहरे पे पैलेट इंजरी आई है। तो गोली चलने का तो बात सामने आई है। साक्षी लोग भी जो यहाँ पे रह रहे थे, जो मतलब एक तरह से किराए पे रह रहे थे, तो वो लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। प्राथमिक जाँच में ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इसमें दो बच्चों के द्वारा मारपीट किया गया है और इसमें से एक पक्ष के चार लोग घायल हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी है और तीन लोग की सिंपल इंजरी है। इसमें फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कुल पांच लोगों के नाम हैं और आगे साक्ष्य के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनका भी नाम है, माननीय विधायक जी का भी नाम फर्द बयान में आया है और उनके बेटे का नाम है और उनके साले का नाम है और दो अन्य लोग भी हैं। और उसमें से जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है वो उसकी गिरफ्तारी का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक अनुसंधान में आया है कि उसमें से कुछ लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उनका नाम दे दिया गया है, तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित लोगों का बयान भी लिया गया है और साक्ष्य के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने कल उनसे बात भी की है, एएसपी सीटीवी वहाँ पर जाकर अस्पताल में उन लोगों से मुलाकात किया है। ऐसा कोई अगर पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो वो मुहैया कराया जाएगा। भागलपुर के कचहरी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब बिना हेलमेट पहने ट्रिपल लोडिंग जा रहे मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक सिपाही के द्वारा रोका गया और उसका फोटो खींचा गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक गुस्से से लाल पीला हो गया और वहीं सिपाही के साथ बीच सड़क पर ही आधे घंटे तक बहसबाजी करता रहा, जिसके बाद एक तरफ लंबा जाम भी लग गया। पुलिस बालों की काफी मिन्नत करने के बाद उसे बीच सड़क से हटाकर जब साइड लाया गया तब यहां पर भी वो ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करता नजर आया, जिसके बाद इसकी सूचना यातायात प्रभारी को दी गई। यातायात प्रभारी ने पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ ट्रैफिक थाना ले गई है। वहीं घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बताया जा रहा है कि युवक भीकनपुर स्थित बिसहरी स्थान के पास का रहने वाला बिट्टू है। चाबी दे दीजिए, आप तो बोल रहे सर कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ भाग जाएंगे, आदमी है यहाँ मेरा, आदमी है मेरा, कहाँ भाग जाएंगे। अरे हम ले चलते हैं आपको, हम लेके जाएंगे, हम पूछते हैं कि चाहे आपके साथ हम लेके जाएंगे। अरे चलिए ना, आप जहाँ रोक रहे हैं वहाँ का बात कीजिए। अरे ना, आप लगाना है, लगाइए। हाँ?
के बाद के थोड़ा ही ना भाई जी देखो हुआ तो बदतमीजी क्या होगा तो उधर से आ रहे थे ठीक है आप अपना मनमौजी कीजिएगा आप प्रशासन है तो मनमौजी कीजिएगा वो ट्रिपल लोडिंग थे उसके सर पे हेलमेट नहीं था तो हमारे सिपाही द्वारा उसको जो है घेरा गया फाइन काटने के लिए। उसी में वो जोर जोर से सिपाही को गाली गलौज और हंगामा करने लगा तो हमसे जब हम लोगों से नहीं ये हुआ सम्राट तो प्रभारी को कॉल किए प्रभारी आए और उस लड़का को लेकर के प्रभारी यहाँ से थाना के लिए प्रस्थान कर गए। उनका गाड़ी भी थाना चला गया मोटरसाइकिल। क्या लगता है कि बदतमीजी जिस तरह से लोग करते हैं इस तरह से करना चाहिए कैसे? नहीं करना चाहिए, यदि करेगा तो हमारे सरकारी कार्यों में व्यवधान होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि स्पेशल चेकिंग जैसे ऊपर से आदेश था कि आप स्पेशल चेकिंग करें, उसमें आर्म्स भी धराना था, गोली भी धराना था, बहुत सारी बात थी। हम लोग उसी का चेकिंग कर रहे थे, ट्रिपल लोडिंग में हेलमेट चेकिंग और हर हथियार जो भी मिलता तो उसमें कुछ उपलब्धि होती पुलिस को, लेकिन इतने हंगामा कर दिए कि हमको तो सरकारी कार्यों में इनके द्वारा बाधा डाला। हाँ, अभी हमें सूचना मिली है कि कचहरी चौक पर एक बाइक पर तीन लड़के थे, ट्रिपल लोडिंग था और हेलमेट भी नहीं पहने थे। इस पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसको रोका गया तो इस पर वो लड़का उत्तेजित होकर सुनते हैं बदतमीजी किया है और इसी पर इसी के आधार पर उसको थाना भिजवाया गया है और पता चला है कि उस लड़का का नाम बिट्टू है और पहले ये ततारपुर थाना से आम सेक्ट पे जेल जा चुका है। इसलिए हम संबंधित थाना को फ़ोन कर दिए हैं, पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नौगछिया की रंगरा थाना क्षेत्र की बैसी पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि कुमोदी यादव के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है मृतक ऋकेश यादव भवानीपुर में फोटो स्टेट दुकान के पास फोटो कॉपी करवा रहा था। इसी दौरान नौगछिया थाना की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर तीन अज्ञात सवार होकर उसके पास पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें निकेश को तीन गोली हाथ, सीना और गाल में लगी है। घटना के बाद आसपास का माहौल खराब होता देख सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानदारें बंद कर वहां से ले गए। मौके पर जानकारी मिलने के बाद पहुंचे परिजनों ने निकेश को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहां स्थिति नाजुक होने के चलते मायागंज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपना स्टूडियो ही है, काम कर रहे थे, आदमी लोग आया फोटोकॉपी कराने, संयोग से रितेश भी वो आया। जान कौन आया? रितेश वही लड़का था। अच्छा। जो डेट किया है वही रितेश बोला कि हमको फोटोकॉपी कर दीजिए। हमने उसका फोटोकॉपी लिया और एक काम फोटोकॉपी दो पेज था, एक पेज निकाले देने लगे और तब तक में एक तीन बाइक सवार कोई आदमी लाल कलर में वहाँ पर रुका और हम समझे कि कोई कस्टमर है, एक नज़र दी, हम अपना काम करने लगे, प्रिंट अप निकाल के उसको हाथ में देते, तब तक में वो एक के साथ दो को गोली चलाया एक के बाद, लेकिन आवाज़ सुने उसके बाद हम लोग का होश ही उड़ गया। किस चीज़ का फोटोकॉपी दिया था? फोटोकॉपी रेती था, रेक पॉइंट कुछ कागज पत्र था, रसीद किसी चीज़ का था। कहाँ से आया था? तो रेक पॉइंट, वो रेके पॉइंट से आया है, ट्रैक्टर से। हाँ, रेके पॉइंट ट्रैक्टर से आया, ट्रैक्टर लगाया है, ट्रैक्टर लगा करके वो हमारे पास आया देने के। क्या नाम बोले गोली लगा? जो गोली लगा उसका नाम रितेश था। कौन है वो? रितेश गाँव में का बॉस का भाई है, मोदी भाई, मोदी का भाई है। मेरा नाम सत्यम स्टूडियो है, यहाँ सत्यम स्टूडियो, घर यही है, दुकान यही है, घर आ गया है। देर शाम भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के समीप यात्री शेड के पास दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर जिला परिषद सदस्य के प्राइवेट ड्राइवर से 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस की गश्ती टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाबत पीड़ित ड्राइवर बिरजू यादव ने बताया कि कजरैली के गोरा चौकी से ट्रक ऑनर भाकुल यादव से कर्ज वाला पैसा लेकर 1.5 लाख रुपए बाइक से
अपने घर किशनपुर जा रहे थे। तभी घात लगाए बदमाशों ने किशनपुर मोड़ के समीप यात्री शेड के पास हाथ देकर रुकने का इशारा किया और रुकते ही बदमाशों ने देसी कट्टा सटा दिया और 500 का 3 गद्दी लूट कर दोगच्छी की तरफ फरार हो गया। घटना को लेकर गश्ती टीम ने बताया कि लूट की सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत पहुंचकर मामले की जांच किया हूं और पीड़ित ड्राइवर से लिखित आवेदन देने के लिए कहा गया है। वहीं पीड़ित ड्राइवर बिरजू यादव ने कहा कि पुलिस को सूचना देने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचकर जांच की और लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने की बात कही है। प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन उर्फ रंजन यादव की अध्यक्षता में स्टेशन चौक स्थित दल्लू बाबू धर्मशाला में किया गया। बैठक में जन वितरण दुकानदारों की जन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भागलपुर जिला इकाई के साथ जिला के सभी प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भागलपुर जिला में जिला सह प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन 22 जनवरी को भागलपुर नगर में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सत्यानंद तिवारी, महामंत्री वरुण कुमार सिंह के साथ प्रदेश के अधिकारी सहित 38 जिलों के जिला अध्यक्ष सहित भागलपुर जिला के लगभग 1400 जन वितरण विक्रेता बंधु भाग लेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और विभिन्न कमेटी बनाकर बिहार फेयर प्राइस डीलर्स जिला सह प्रांतीय सम्मेलन को सुचारू रूप से सफल किया जाएगा। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वरीय उपाध्यक्ष शशिधर प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह, जिला संगठन मंत्री सोनी कुमारी, प्रमोद राम, महेश रजक, मोहम्मद इलियास हुसैन, कृष्णा गुप्ता, छोटू यादव, सहमंत्री अभिनंदन यादव, देवाशीष बनर्जी, मनोज सिंह, अशोक गुप्ता, नाथनगर के प्रखंड अध्यक्ष किनौरी पासवान, सचिव लक्ष्मण, कोषाध्यक्ष राजकुमार, सुल्तानगंज से पिंटू, सिपिक, नगछिया प्रखंड से जबर, सबौर प्रखंड से रंजन सहित अन्य प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि विक्रेता बंधु उपस्थित थे। सुल्तानगंज की मजदी पंचायत एवं आसियाचक पंचायत को जोड़ने वाली मुंगेर व मिर्जाचौकी फोर लेन में अंडर पास नहीं बनाने को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मुंगेर से मिर्जाचौकी तक फोर लेन का निर्माण कराया जा रहा है। यह मार्ग दो पंचायत को जोड़ रही है। निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा अंडर पास नहीं बनाया गया, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रोजेक्ट मैनेजर विनय पांडे का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन देने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। पास नहीं बनेगा तो क्या काम बंद, जब तक ये अंदर पास नहीं बनेगा तो ये काम अभी बंद रहेगा, निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, आगे होगा इसका निर्माण, इस जगह पे निर्माण भी रोका जाएगा ग्रामीण के द्वारा, सब समाज के द्वारा। आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का वजह भी कारण है, क्योंकि ये अंदर पास नहीं बनेगा तो दोनों साइड जो खेत पर रहा है किसान का, नहीं जोताई होगा नहीं बुनाई होगा, तो ये ओवर ब्रिज ऊपर क्रॉसिंग करके चलेगा, इससे बहुत दुर्घटना घटेगा, क्योंकि ये फोर लाइन है, कोई सिंगल ये रोड नहीं है, उसमें दुर्घटना घटे उस पार जिम्मेदार उसका कौन बनेगा घटना का, इसीलिए इस घटना को देखते हुए पहले हम इसको कह रहे हैं पूरे जो भी इस प्रोजेक्ट पर हम चले पासा नहीं है, वृद्धा आदमी है, खेत यहाँ पर पड़ता है, कैसे कटवाने के लिए आवेंगी, कैसे समटवाने के लिए आवेंगी, कैसे बोलेंगी? अंडर पास चाहिए, बस अंडर पास चाहिए जाने के लिए। हाँ हमको तो बराबर चलेगा, पंचायत समिति जी बोलिए, मांग यही है कि किसान को फसल लाना आना पड़ता है, इसलिए करके अंडरग्राउंड चाहिए, और इस पर पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, इस पर लेटर पेपर मुखिया जी का जो होता है वो लिख करके दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए करके कल हम लोग सभी किसान आकर के जगह बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। यही है ये दोनों गाँव की तरफ से जो क्रॉसिंग है, अगर ये क्रॉसिंग नहीं बनता है तो ट्रैक्टर पर लादा हुआ धान उलट जाता है, और ये समस्या नहीं मतलब कि बहुत दिन तक चलते रहेगा, इसलिए यहाँ का जनता चाहती है इस पर बाईपास पर एक बाईपास पर अंडर पास पर अंडर पास पर इसके लिए के पहले आवेदन दिए थे आप लोगों ने? आवेदन दिया गया था। किनको दिए थे? विनय पांडे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि जो है ठीक है प्रक्रिया में डालते हैं, लेकिन जब आज 2 महीना बीत गया, 2 महीने के बाद जब पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोलता है, कहता है आगे जाने,